अब तक हमने देखा तेंजेकू माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स भी कंजेकू से लड़ने आ जाते हैं। और तब हम देखते हैं चोसो को ये याद आ चुका होता है कि इटाडोरी उसका भाई है, जिस वजह से वो कंजेकू को मारने उसके पास चला जाता है। और तब हम देखते हैं इटाडोरी और चोसो मिलकर कंजेकू का सामना करने लगते हैं और तब उरामे कंजेकू को बचाने आ जाता है और इटाडोरी की टीम पर हमला कर देता है और तभी युकी उन सभी को बचा लेती है। और अब आगे तब यहाँ युकी सोचती है मुझे किसी भी कीमत पर लोरे के मूव के लिए टाइम निकालना होगा और कहती है गेटो क्या तुम्हें वो बात याद है जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि हम वो दुनिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर कोई कर्सेस नहीं होंगे, पर चाहे तुम जो मर्जी मेथड अडॉप्ट करो ह्यूमंस हमेशा एडवांस स्टेज पर जाते ही रहेंगे और इंसानियत की अगली स्टेज कर्स एनर्जी से अलग होना है। तब कंजेकू कहता है ऐसा नहीं है, उनकी अगली स्टेज कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है। और तब युकी इटाडोरी से इसके बारे में पूछती है पर इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आता। तब कंजेकू कहता है पर मुझे लगा था कि जब 12 साल पहले टोजी मरा तब तुमने उस मेथड को छोड़ दिया था। तब युकी कहती है पर जब मैं गेटो से बात कर रही थी तब मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल्स पर वापस आ जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे प्लान में एक बहुत बड़ी कमी है, जापान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत कम जुजुत्सु सोर्सेस और कर्स स्पिरिट्स हैं और कर्स एनर्जी के ऑप्टिमाइजेशन के लिए टेंजन का बैरियर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसका मतलब सिर्फ वही ह्यूमन सोर्सर्स बन सकते हैं जहाँ टेंजन और ऑप्टिमाइज्ड कर्स एनर्जी इकट्ठी हो, तो इसका मतलब सिर्फ उसी कंट्री के लोग जुजुत्सु सोर्सर्स बन सकते हैं जहाँ टेंजन का बैरियर और ऑप्टिमाइज्ड कर्स एनर्जी इकट्ठी हो और वो जगह जापान है, जिसका मतलब है कि जापान में एकदम से बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी आ जाएगी और ये सब कुछ देखकर बाकी कंट्रीज चुप नहीं रहेंगी। ह्यूमन बींग्स एक एनर्जी के सोर्स हैं, तो इसलिए तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस चीज से इस दुनिया में क्या हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया वैसी नहीं बन पाएगी जैसे मैंने सोची थी। तब कंजेकू कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी मेरा ऑब्जेक्टिव तुमसे अलग है, मैं कोई ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता जहाँ पर कर्स स्पिरिट्स ना हो और ना ही कोई ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर शांति हो। नॉन सोर्सर्स सोर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स वो पॉसिबिलिटीज हैं जो तब बनती है जब ह्यूमन बींग्स के अंदर कर्स एनर्जी बनती है, पर फिर भी ह्यूमंस इससे ज्यादा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ह्यूमंस के अंदर इससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मैंने उसी को बाहर लाने की कोशिश की है पर वो भी काम नहीं किया, और जो मैंने क्रिएट किया वो मेरे खुद के पोटेंशियल से आगे नहीं बढ़ पाया, तो अब मुझे एक ऐसी चीज क्रिएट करनी चाहिए जो कि तबाही मचा सके और उसे मैं भी कंट्रोल ना कर पाऊं, और उसके लिए मैंने पहले ही कर्स टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जिससे युकी शॉक हो जाती है और इटाडोरी से पूछती है आखिरकार वो माहितो कहाँ गया जो कि सोर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इटाडोरी कहता है इसने पहले ही उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसे सुनकर युकी शॉक हो जाती है। और तब हम देखते हैं कंजेकू माहितो की आइडल ट्रांसफिगुरेशन टेक्निक को यूज करता है और तब उसकी टेक्निक से एक पैटर्न बनता है जो कि पूरे आसमान में छा जाता है। तब युकी कहती है क्या ये टेंजन बैरियर है, पर नहीं ये तो टेक्निक को लॉन्ग रेंज से एक्टिवेट करने के लिए है। तब कंजेकू कहता है मैं तुम्हारा थैंक यू कहना चाहता हूँ इटाडोरी, जब भी कोई कर्स स्पिरिट कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से एब्जॉर्ब की जाती है तब उसकी टेक्निक्स की क्वालिटी और ज्यादा नहीं बढ़ती है, पर माहितो तुम्हारे साथ फाइट के दौरान पहले ही बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका था और मैं चाहता था कि जोगो भी ऐसे ही ग्रो कर जाए, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। तब युकी कहती है आखिरकार तुमने क्या किया है। तब कंजेकू कहता है मैंने आइडल ट्रांसफिगरेशन को उन दो टाइप के नॉन सोर्सेस पर डिस्टेंस से एक्टिवेट किया है जिन्हें मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ था। और तब हमें पुशीगुरो की बहन दिखाई जाती है जिसे कंजेकू ने मार्क किया होता है, और तब कंजेकू कहता है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि इटाडोरी की तरह हैं, जिन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट्स को खा रखा है, और कुछ लोग जुनपे की तरह हैं, जिनके पास टेक्निक्स तो हैं, पर उनका ब्रेन सॉर्सरी नहीं कर सकता, और मैंने उन दोनों के ब्रेन्स को सॉर्सर्स पर सेट कर दिया है, और सबसे पहले मैंने उन्हें एक वेसल की तरह स्ट्रेंथ दी है और उसके बाद कर्स टेक्निक यूज करने की कैपेसिटी दी है, और अब जब मैंने इस रस्सी की गांठ को खोल दिया है तो इसका मतलब ये है कि मैंने कर्स ऑब्जेक्ट्स की सील को तोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मार्किंग के टाइम
मेरी कर्स एनर्जी की वजह से बेहोश हो गए थे, पर वो बहुत जल्दी उठने वाले हैं और अब मैं उन्हें और भी ज्यादा कर्स एनर्जी के बारे में समझाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं उन लोगों को आपस में लड़वाऊंगा। वो बच्चे और वो कर्स ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैंने ध्यान से सिलेक्ट किया है, और तुम इसे ऐसे सोच सकते हो जैसे कि बहुत सारे बुरे इटाडोरी एक ही बारी में रिलीज कर दिए गए हों। तब यूकी कहती है, तुम्हें ह्यूमंस के बारे में समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग एक दूसरे को इसलिए मारेंगे क्योंकि उन्हें पावर चाहिए? तो केंजेकू कहता है, ये सब कुछ उनके लिए ऑर्डर है, और वैसे भी मैं उन्हें इस तरह उनकी सोच पर नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए तुम्हारा ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है। तो यूकी इटाडोरी से कहती है, अब ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, चलो इसे जाके मारे। पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं उरेहामी की कर्स टेक्निक हट जाती है। आखिरकार क्या हुआ? मैंने अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया था, पर लगता है मुझ पर पॉइजन से हमला किया गया है। तब चोसो कहता है, मेरी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक में मेरा ब्लड डी है, जिसका मतलब उसके अंदर पॉइजन है। तब निशिमिया कहती है, तुम्हें रुकना होगा क्योंकि हमारे पास माइक की सपोर्ट नहीं है और एनिमी के पास और भी ज्यादा साथी हो सकते हैं। तब यूकी कहती है, टोडो, माई और मीवा सारे मेरे दोस्तों की प्रोटेक्शन में हैं और वो लोग इस टाइम लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तब यहाँ पांडा कामो से पूछता है, क्या तुम अभी भी हिल सकते हो? तब कामो कहता है, मैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं मूव कर सकता हूँ। और कासुकाबे लड़ने से मना कर देता है। तब केंजेकू कहता है, मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है। मैंने जो कर्स ऑब्जेक्ट उन लोगों को दिया है वो उन सोर्सर्स के हिस्से हैं जिनके साथ मैंने पिछले 1000 सालों में कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, पर मैंने सिर्फ उन सोर्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए थे, पर जैसे ही मैंने इस बॉडी को कब्जे में लिया तब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए, और ये इस दुनिया का फ्यूचर है। और तब केंजेकू गेटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को आजाद कर देता है, और तब उन सभी के आसपास बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स आ जाते हैं। और तब केंजेकू इटाडोरी को प्रिज्म रैम दिखाते हुए गुड बाय कहता है, और इटाडोरी गोजो का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। तब केंजेकू सोचता है, अब ये देखने में बहुत मजा आएगा कि आगे क्या होगा। तो क्या तुम सुन रहे हो सुकुना? देखो, सॉर्सरी की गोल्डन एज दोबारा आ रही है। हियान पीरियड दोबारा से शुरू होने वाला है, और वो वहाँ से चला जाता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि शिबुआ के बारे में हर न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा होता है, पर आम लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा होता, और यहाँ सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, और यहाँ 5 मिलियन रेजिडेंट्स को बाहर निकालने का प्लान बनाया जा रहा होता है, पर किसी को भी इस चीज के होने का रीजन नहीं पता चल रहा होता, और सारे न्यूज वाले इस चीज को नेचुरल डिजास्टर के तौर पर बता रहे होते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि शिबुआ में 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को रिलीज किया गया है, और सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज को लेकर परेशान हो रही होती है कि वो आम लोगों को क्या बताएगी, और इस वजह से येन की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही होती है। तब यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज को कर्स स्पिरिट्स के बारे में आम जनता को बताने के लिए कहा जाता है, और उन्हें बस ये बताना है कि कर्स स्पिरिट्स सिर्फ टोक्यो में है, ताकि टोक्यो में ज्यादा से ज्यादा लोग डर के मारे कर्स एनर्जी रिलीज करें, जिससे कि सारी कर्स स्पिरिट्स सिर्फ टोक्यो में ही रहे। और तब हम देखते हैं जो लोग न्यूज बता रहे होते हैं उन पर एक कर्स स्पिरिट हमला कर देती है, और यहाँ न्यूज देख रहे कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होती, और तभी उन पर भी एक कर्स स्पिरिट हमला कर देती है। और तब यहाँ एक पर्सन इम्पेरिकल प्लाजा के बैरियर टॉम्स ऑफ स्टार के बैरियर को बॉर्डर्स तक एक्सपेंड करने के ऑर्डर्स देता है, और तब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इस सिचुएशन में भी एक स्टोर में आकर खाना खा रही होती है, और तभी उसे किसी चीज का एहसास होता है, और तभी एक अजीब सी चीज उसे अपनी तरफ बुलाने लगती है और कहती है, यहाँ बहुत खतरा है तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें नहाने का और गाना गाने का भी मौका मिलेगा। तब वो लड़की कहती है, पर मेरी माँ का क्या होगा? तब वो कर्स स्पिरिट कहती है, तुम्हारी माँ, बाप, भाई, बहन और टीचर सभी यहाँ हैं। तब वो लड़की कहती है, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं टीचर से नफरत करती हूँ। तब वो कर्स स्पिरिट भी सेम चीज ही रिपीट करती है, और तब वो लड़की उसे पानी देने लगती है और उसके पास चली जाती है, और जैसे ही वो लड़की उस शॉप से बाहर निकलती है तभी एक कर्स स्पिरिट उसे खाने के लिए उस पर हमला कर देती है, पर तभी यूटा वहाँ आकर उस कर्स स्पिरिट को मार देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं?
तब वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता। तब यूटा सोचता है, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता होगा, और कहता है, लगता है तुम बहुत दूर से आई हो। तब वो लड़की हाँ कहती है, और तब वो कर्स स्पिरिट फिर से उठने लगती है, पर रिका उसे बिल्डिंग पर पटक देती है। तब कोत्सु उस लड़की की आंखों को कवर करके कहता है, रिका तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तब यहाँ युकी इटाडोरी से कहती है, मुझे माफ करना कि मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि उस सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और सोच समझ कर चाल चलनी चाहिए। तो अब तो तुम्हें समझ लग ही गया होगा कि मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ, मैं बस एक मामूली सी अफसरा हूँ जो कि बस ये चाहती है कि इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स खत्म हो जाएं। पर ये बात फिर भी मेरी गलतियों को नहीं छुपा सकती, तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स और मैं इस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, और उन सभी बच्चों को भी हम वापस भेज देंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और अब टेंजन से मिलने का टाइम आ चुका है, तो अब आगे तुम क्या करना चाहते हो? और तब हमें यहाँ हायर अप्स की मीटिंग दिखाई जाती है और वह यूटा के काम की तारीफ करते हैं। तब यूटा कहता है, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, तो चलो अब पॉइंट पे आओ। और तुमने मेरे कामों से देख ही लिया होगा कि मैं ऑर्डर्स को मानता हूँ। तब एक हायर अप कहता है, कर्स स्पिरिट को मारना कुछ भी प्रूफ नहीं करता है। तब यूटा कहता है, तो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ बाइंडिंग वो या फिर कुछ और कर सकते हो, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गोजो का स्टूडेंट है या नहीं, उसने शिबुआ में इनुमाकी की बाजू काटी है, तो इसलिए मैं इटाडोरी को खुद मारूंगा। और तब हमें जुजुत्सु हेडक्वार्टर के नोटिस के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि सुगुरु गेटो जिंदा है तो इसलिए उसे मार दिया जाए, और दूसरा ये है कि गोजो ने इस शिबुआ इंसिडेंट में गेटो का साथ दिया है, तो इसलिए उसे रेलम ऑफ सॉर्सरी से परमानेंटली एक्सपेल कर दिया गया है, और अगर उसे किसी ने अनसील किया तो उसे क्राइम माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि मासामिची ने गोजो और गेटो को इस शिबुआ इंसिडेंट के लिए उकसाया था, तो जिस वजह से उसे भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि यूजी की मौत पर लगाई हुई रोक को हटा दिया गया है और उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिस काम के लिए यूटा ओकोत्सु को चुना गया है। और तब हम देखते हैं इटाडोरी एक सुनसान ब्रिज पर घूम रहा होता है और सुबह होते ही जोरदार ताली मारता है, जिससे पानी के बीच के कर्स स्पिरिट्स बाहर आ जाते हैं। और गाइस इसी के साथ जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि जेजीके का सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है, वैसे उसकी कोई डेट तो नहीं आई है, पर जैसे ही वो सीजन आने वाला होगा उसके अपडेट्स तो आपको मिल ही जाएंगी। बाकी अगर बात की जाए इस एपिसोड की तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इन हायर अप्स ने कौन से नशे किए हुए हैं, और अब जब गोजो यहाँ पर नहीं है तो ये कुछ ज्यादा ही अपनी चला रहे हैं। अब बस इंतजार है सीजन 3 का, तब गोजो ही आएगा और इन्हें बड़े प्यार से समझाएगा। बाकी आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जैसे ही नेक्स्ट सीजन आता है उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, अब आप क्लिक करके अगले एपिसोड को देख पाओगे।